अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल आर फाइन. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर सोशल स्टडीज वर्क. ओपन योर प्लानर एंड मेंशन डेट इन प्लान नंबर 25. हियर इज़ द टास्क टू रीड द चैप्टर नंबर 5 विच इज़ अबाउट वेदर एंड सीजन्स. ओके, देन ओपन योर सोशल स्टडीज वर्क बुक. आई हैव ओपन द चैप्टर नंबर 5 ऑन पेज नंबर 19. It is about weather and seasons, but keep it in your mind that firstly you have to mention your date and day on the top of the page. Okay students, what is weather and seasons? What weather is a condition of our day. Okay, yani isko hum kya kahenge ki weather jo hai aisi condition jaise hawa chal rahi hai ya kaisa mausam hai aaj ke din ka, to usko hum kahenge it is weather. ठीक है, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द ईयर ईच डे. ओके, इट चेंजेस एवरी डे एंड थ्रू आउट द सीज़न. यानी क्या होता है कि ये जो वेदर है वो डेली चेंज होता है और हर मौसम में ये बदलता रहता है. जैसे आपको पता है कि आज गर्मी है, आज हवा चल रही है, आज मौसम अच्छा है, हम कहते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये वेदर होता है. ठीक है, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेदर्स, यानी वेदर के काफ़ी तरह के वेदर्स होते हैं. तो वो आपको टाइप्स बताई गई हैं, क्लाउडी, सनी, रेनी, विंडी, कोल्ड. क्लाउडी मीन्स जब बादल छाए होते हैं. ठीक है, सनी मीन्स जब सूरज बहुत तेज़ धूप के साथ चमक रहा होता है. ठीक है, यानी तेज़ धूप होती है जिस दिन. एंड रेनी, यानी जिस दिन रेन, आपको पता है हम किस कहते हैं, यस, बारिश को. तो रेने यानी जिस दिन बारिश हो रही होगी. विंड भी आपको पता है कि हम हवाओं को कहते हैं, तो विंडी यानी जिस दिन तेज़ हवाएं चल रही हों, तो उस वेदर को हम क्या कहेंगे, इट इज़ विंडी टुडे. ठीक है, एंड कोल्ड यानी सर्द मौसम है, ठंडा लग रहा है आज मौसम. ठीक है, थोड़ा खुशगवार होता है जिस दिन, यहाँ ठंडा होता है, फील हमें सर्दी फील हो रही थी, उसको हम कहते हैं. तो यहाँ पर बताया गया, सम डेज़ आर सनी, सम डेज़ आर रेनी, यानी जिस दिन देखें बारिश हो रही है, सम डेज़ आर विंडी, सम डेज़ आर क्लाउडी, सम डेज आर कोल्ड. ठीक है, तो ये आपको पता होगा, पता होना चाहिए कि वेदर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं. ठीक है, उनके नेम्स आपको याद रखने हैं. ठीक है, क्लाउडी, सनी, रेनी, विंडी एंड कोल्ड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीजन्स. सीजन्स क्या चीज़ है? जैसे वेदर एक दिन के लिए होता है ना, तो जब ज़्यादा तरह यानी एक ही तरह का मौसम हमें ज़्यादा जगह पे ज़्यादा दिनों के लिए जगह मतलब शो हो रहा हो या फील हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये सीज़न है. ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ सेम वेदर, यानी एक ही तरह का मौसम जो है वो ज़्यादा टाइम तक हमें फील हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड सीज़न. देर आर फोर सीजन्स इन अ ईयर. ये तो आप सबको पता है कि चार तरह के मौसम होते हैं. कौन कौन से? यस, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग. यस, समर सीज़न इज़ टू मच हॉटेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर, यानी जो सबसे ज़्यादा गर्म तरीन मौसम है पूरे साल का, वो कौन सा है? समर सीज़न. हॉटेस्ट मतलब गर्म मौसम. ठीक है, पीपल इन्जॉय स्विमिंग. आपको पता है कि जब गर्मी ज़्यादा लग रही है तो हम स्विमिंग जो है वो पसंद करते हैं. कोल्ड ड्रिंक्स हमें अच्छी लगती हैं. ठीक है, एंड आइसक्रीम्स, और हम आइसक्रीम्स भी गर्मी के मौसम में जो है वो इन्जॉय करते हैं. फॉल या ऑटम सीज़न, फॉल सीज़न भी इसे कहते हैं या और ऑटम सीज़न भी कहते हैं. फॉल सीज़न क्यों कहा जाता है? यस, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑटम सीज़न में लीव्स जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी दरख्तों से पत्ते जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं. तो गिरना मतलब फॉल. आपको पता है कि फॉल की हम कहते हैं गिरना, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सीज़न जो है वो पत्तों के गिरने का सीज़न है. इन दिस सीज़न लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज. ठीक है, ओके, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सीज़न विच इज़ विंटर. विंटर सीज़न इज़ कोल्ड सीज़न ऑफ द ईयर, यानी ठंडा मौसम जिसमें हम जो है वो जैकेट्स वेयर करते हैं या गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हैं, गर्म चीज़ें, ठीक है, खाते हैं. तो ये चीज़ें जो है ये इस मौसम को हम क्या कहते हैं, विंटर सीज़न. इट इज़ वेरी कोल्ड. इन दिस सीज़न पीपल वेयर वार्म क्लॉथ्स, यानी आप देखें कि हम ग्लव्स पहनते हैं, स्कार्फ लेते हैं, सॉक्स पहनते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कब लेते हैं, विंटर सीजन में, जब हमें सर्दी फील हो रही है. लास्ट सीजन इज़ स्प्रिंग सीजन. स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जैसे पत्ते यहाँ पे गिरते हैं तो जाहिर है नए पत्ते भी बनेंगे ना, नए फूल जब वो तैयार होंगे,
तो जब नए फूल तैयार होते हैं उस मौसम के क्या कहते हैं, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन को प्लेजेंट सीजन भी कहते हैं, ठीक है। प्लेजेंट सीजन मतलब खुशगवार मौसम, ठीक है। क्यों खुशगवार लगता है, क्योंकि इसमें हमें फ्लावर्स नज़र आ रहे होते हैं और ग्रीनरी हर तरफ नज़र आ रही होती है, तो इस वजह से हम इसको प्लेजेंट सीजन कहते हैं, ठीक है। फ्लावर्स ब्लूम एंड देयर इज़ ग्रीनरी एवरीवेयर, ठीक है। बहुत ईजी सा टॉपिक है, आपने इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और आपने जो है इसको रीड आउट बहुत अच्छे से करना, और जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स वर्ड्स हैं उनके आपने मीनिंग्स जो है वो लाजमी अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। सीजन्स नेम आपको याद होने चाहिए, वेदर्स के जो टाइप्स हैं वो भी आपको याद करनी है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।